जो सम्मानित विधायक कोर्ट में गए हैं, मैं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, ना ही मेरा बयान न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और योग्यता, अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द, जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं, सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है, और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में, अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की, डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं।